ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए और फिर मुफलसी के उस दौर से निकलकर बन गई ये जबरदस्त अभिनेत्री लेजेंडरी शशिकला ओम प्रकाश सैगल। शशिकला जी का जन्म हुआ 4 अगस्त सन 1932 में, जगह का नाम सोलापुर, महाराष्ट्र। 5 साल की उम्र में ही इन्होंने नृत्य और गायकी में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी और सोलापुर जिले के कई जगहों पर जाकर ये अपनी डांस परफॉर्मेंसेस देती। अभी लग रहा था कि नन्ही शशिकला आगे जाकर बड़ा नाम कमाएगी, लेकिन उससे पहले ही इनके परिवार को ऐसा धक्का लगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इनके पिता जवाईकर साहब अपने छोटे भाई से बड़ी उम्मीदें लगा बैठे थे। अपने छोटे भाई को इन्होंने भेज दिया था विदेश पढ़ाई करने के लिए। सोचा था कि जब छोटा भाई वापस आएगा तो घर वालों की देखभाल करेगा, लेकिन वो लौट कर आया, उसकी शादी भी हुई और उसने उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। तब तक शशिकला के पिता अपना सारा पैसा अपने छोटे भाई की पढ़ाई में लगा चुके थे। दाने दाने को मोहताज ये परिवार भटकने लगा। इनके पिता को लगा क्यों ना मुंबई जाऊं और वहां पर क्या पता मेरी बेटी को फिल्मों में काम मिल जाए। ये मुंबई तो आए, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि कुछ काम ना मिला और तब एक परिवार में शशिकला बतौर नौकरानी काम करने लगी। ये मैडम के कपड़े धोती, जूते साफ करती और सोचती वो बच्ची जिसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी वो अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। एक दिन मैडम के हस्बैंड ने शशिकला को घर से निकाल दिया और तब एक मुस्लिम परिवार ने इन्हें शरण दी। मैं एक यतीम लड़की थी जिसको उन्होंने अपने घर में पना दी, अपनी ही बेटी की तरह पाला। इसी बीच प्रभात स्टूडियो में शशिकला को एक मौका मिला। फिल्म थी थोता याद से बना और 100 रुपए महीने की सैलरी पे इन्हें रख लिया गया। शशिकला को लगा कि अब तो दुख दूर हो गया, अब तो कमाल हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म डिब्बे में बंद हो गई। अगर आपकी आलम की बर्बादी मेरी कुर्बानी से बच सकती है तो आप मुझे जिस जहन्नम में निकल देंगे, मेरे चीखने सुनेंगे आपका झूठ। भगवान 10 रास्ते बंद करता है तो एक रास्ता खोल भी देता है। कुछ ऐसा ही शशिकला के साथ हुआ। सेंट्रल स्टूडियो में नूर जहां जी ने इस नन्ही सी लड़की को देखा और कहा कि इस नन्ही सी लड़की की शक्ल मुझसे मिलती है, और अपने पति शौकत हुसैन से बोला कि तुम ढूंढ रहे थे ना एक लड़की को जो मेरे बचपन का किरदार निभा सके, यही है वो लड़की। सभी ने कहा कि हाँ, शशिकला नूर जहां के बचपन का किरदार निभा सकती है, लेकिन जैसे ही शशिकला ने मुंह खोला तो वो समझ गए कि ये उर्दू नहीं बोल सकती। पेपर को पर बख्शने वाले, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये कैद के ताले क्यों बंद है? हमेशा मला किश्ती को बचाता आया है, आज किश्ती मला को बचाई, या खुदा मदद कर। एक कव्वाली के अंदर फिर शशिकला को मौका दिया गया। इस कव्वाली से इन्हें 25 रुपए मिले और उस दिन इनके परिवार ने सही मायनों में दिवाली मनाई। शौकत साहब ने 400 रुपए माहवार पर शशिकला को अपने स्टूडियो में नौकरी दे दी और ये वादा भी किया कि एक दिन ये हीरोइन बनेगी। इनकी पहली फिल्म थी जुगनू, जिसमें दिलीप कुमार और नूरजहां साथ काम कर रहे थे। शशिकला का भी रोल बड़ा अच्छा था। धीरे धीरे शशिकला का नाम बढ़ने लगा। शशिकला के पिता ने इनका बहुत साथ निभाया और इन्होंने भी अपने परिवार के दरिद्र दूर कर दिए। आज आपकी शूटिंग नहीं थी क्या? आज पिक्चर का मुहूर्त हुआ, सिर्फ कहानी सुनाई गई। अच्छा, कैसी कहानी है? प्रेम कहानी। तो फिर पानी में नहाने के सीन जरूर होंगे। अभी लग रहा था कि शशिकला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाएंगी, लेकिन तभी भारत का बंटवारा हुआ, दंगे भड़क उठे और शौकत हुसैन और उनकी वाइफ नूर जहां पाकिस्तान रवाना हो गए। उसके बाद अमिया चक्रवर्ती का सहारा मिला, पीएन अरोड़ा की फिल्मों में इन्होंने काम किया, पर शशिकला अब भी हीरोइन ना बन पाई। तुम मुझसे प्यार करते हो? जानते नहीं, मुझे हर 6 महीने में कार बदलने का शौक है। कार? तब तो मैं बेकार। वी शांताराम साहब की फिल्मों से भी इन्होंने खासी मकबूलियत हासिल की। बहुत से उतार चढ़ाव देखते हुए शशिकला ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया।
ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म खूबसूरत हो या फिर विजय आनंद की फिल्म 9-2-11, राष्ट्रीय फिल्म्स में भी शशिकला ने कुछ बड़ी अच्छी भूमिकाएं निभाई। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ है, अगर जलाल वक्त पर मेरे और मेरी मौत के दरमियान ना आता तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाती। क्या हुआ था? अम्मी जान, शेर ने हमला कर दिया था। जलाल ने अपनी मौत को मेरे लिए आवाज दी, वो शेर पे टूट पड़ा और मुझे बचा। धीरे धीरे चरित्र अभिनेत्री बन गई शशिकला। पहले थी वैम्प, उम्मीदें थी हीरोइन बनने की, पर जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ। दूसरों के बर्तन भांडे मांझते मांझते शशिकला ने वो मकाम हासिल किया जहाँ पे सभी ने इन्हें सलाम किया। देखो तो ये डिजाइन बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है जी। दो ड्रेस बना दीजिए और यहाँ पे जाले का कपड़ा जरूर लगाइएगा। दूसरी बात ये है कि फिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जिससे मेरा फिगर बहुत सुंदर नजर आए। शशिकला की शादी हुई ओम साइकल से, जो कि महान गीतकार अभिनेता कुंदन लाल साइकल के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपना एक अनोखा परिवार बनाया और फिर जब लगा कि सब कुछ सेटल हो गया है, शशिकला फिल्मों से दूर हो गई। लाख सितम हाय, लाख सितम हाय, आजा सुन एक जान मेरी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से लेकर कलर्ड फिल्म्स तक, यूसुफ खान मतलब दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान तक, हर हीरो का चढ़ाव इन्होंने अपनी नजरों के सामने देखा और इनके अभिनय के विभिन्न रंग हमने सिल्वर स्क्रीन पे देखे। शशिकला जैसी अभिनेत्री ना थी और ना ही होगी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।